प्रधानमंत्री मोदींकर 71तम मन की बात कार्यक्रमरे देशवासींकु संबोधन। कोरोना काळरे सांस्कृतिक ओ ऐतिह परंपरारे जोडी रहिबा। नुआ आईन द्वारा दूर हेबो चासींक समस्या। चासीमानक मध्यरे बढ़िबो जागरण। बहु वर्षरु कृषक माने करूतिबा दाबीकु पूर्ण कले सरकार। कानाडारु फेरिला देवी अन्नपूर्णांक दुर्लभ मूर्ति। गुरु नानक और श्री अरविंदंक जन्मवार्षिकी अवसर रे सेमाने देइतिबा शिक्षा और नैतिकतार वार्ता देशकु प्रेरणा देबो। 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। श्री अरविंदो को हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही गहराई हमें मिलती जाती है। मेरे युवा साथी श्री अरविंदो को जितना जानेंगे उतना ही अपने आप को जानेंगे, खुद को समृद्ध करेंगे। जीवन की जिस भाव अवस्था में आप हैं, जिन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आप प्रयासरत हैं, उनके बीच आप हमेशा से ही श्री अरविंदो को एक नई प्रेरणा देते पाएंगे, एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगे। देशर संस्कृति और परंपरा ही आम समस्त को एक कोरोना काल रे परस्पर सहित जोड़ी रखी पारिछि बोली आज 71तम मन की बात कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री ताको उद्बोधन रे कहिछंती। एही महामारी परिस्थिति रे सांस्कृतिक संपर्क ही आमको मानसिक स्तर रे सुदृढ़ करि पारिछि। देवी अन्नपूर्णांक दुर्लभ मूर्ति कानाडारु फेरी आसीथिबार खुशी खबर प्रधानमंत्री देशवासींकु जणाइबा सह आम देशर प्राचीन ऐतिह्यर महत्वकु कहिछंती। सरकारको द्वारा आगत होइतिबा कृषक बिल देशर कृषकमानंकर बहु वर्ष धरि रही आसीथिबा समस्याकु पूरण करि पारिबो। एहा कृषि क्षेत्ररे देशर एक नुआ जागरण सृष्टि करिबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। निकटरे श्री अरविंद ओ गुरु नानकक जन्मवार्षिकीर अवसररे सेमानंक द्वारा दिया जाइतिबा मौलिक ओ नैतिक शिक्षा देश पई वर्तमान समयरे अनेक उपयोगी। केवल शिक्षा ओ संस्कृति नुहे, एहा सहित प्राकृतिक परिवेश वर्तमानर कोरोना परिस्थितिरे एक अनुकूल परिवेश सृष्टि करिबारे अनेक भावरे सहायक होइछि। भारतर बार्डम्यान सलीम अल्लींकु एही अवसररे मने पकाइ तांकर परिवेश सुरक्षार भावना द्वारा समस्ते अनुप्राणित हेबा उचित बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। क्योंकि दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है, दुनिया के बर्ड वॉचर्स को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है। मैं हमेशा से बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों का प्रशंसक रहा हूं। बहुत धैर्य के साथ वो घंटों तक, सुबह से शाम तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, प्रकृति के अनूठे नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। भारत में भी बहुत सी बर्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय है, आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।